तो उसमें हम लोगों ने ये देखना है कि अगर हमारे पास एक पॉलीनोमियल फैक्टर दिया हुआ है और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये चेक करें कि क्या ये जो दिए हुए फैक्टर्स हैं वो उस पॉलीनोमियल को डिवाइड करते हैं कि नहीं करते, बाय द मेथड ऑफ फैक्टर थ्योरम, तो उसको हमें कैसे डील करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहिए कि विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन ये कौन सी डिवीजन होती है। एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन ये किस डिवीजन का नाम है, ये हम सबको पता है, हम सब लोगों ने की हुई है। ये जो डिवीजन हम करते थे 24 अंदर रखने 3 पर डिवाइड करते हैं 3 8 24, ये जो दिक्कत का होता था ना डिवीजन का, इसे हम कहते हैं एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। तो कह रहा जी कि आप लोगों ने ये वाला मेथड है वो अडॉप्ट नहीं करना। तो आप लोगों ने क्या कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, आप लोगों ने जी फैक्टर थ्योरम वाला मेथड लगाना है और ये बताना है कि जो पॉलीनोमियल उसने हमें दिए हुए हैं वो लीनियर, जो लीनियर पॉलीनोमियल जो दिए हुए हैं तो क्या वो गिवन पॉलीनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है, देखिए इसमें पॉलीनोमियल ऑफ x हमारे पास क्या है, x का क्यूब माइनस 12 x का स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48, ये एक पॉलीनोमियल है और आपसे कह रहा है कि चेक करेंगे क्या x माइनस 2 और दूसरा हमारे पास है x माइनस 3 इसके फैक्टर्स हैं कि नहीं है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये पॉलीनोमियल इन दोनों पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो उसका सिंपल मेथड है जी, उसमें आप लोगों ने क्या करना है जी कि आप लोगों ने वन बाय वन इसको पुट करना है, पुट करके चेक करेंगे। केस वन हमारा बनता है जी एक्स इक्वल टू 2 के लिए, केस वन व्हेन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। तो आप लोगों ने क्या करना है जी इसमें जहां जहां पे एक्स है 1 2 3 4, इन 4 प्लेसेस पे आप लोगों ने एक्स की वैल्यू 2 बनानी है। तो पॉलीनोमियल ऑफ 2, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 48, इधर 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 इन तीनों जगह पे आप लोगों ने x की जगह पे 2 लगा दिया। 2 का क्यूब जी 8, 2 का स्क्वायर 4, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 माइनस 48, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48 प्लस 88 माइनस 48, 8 और 88 हो जाएगा जी 96, 48 और 48 हो गया 96, इनको माइनस करें तो आपका आंसर आ गया 0। आप लोग देख रहे हैं कि जब आप लोगों ने इस पॉलीनोमियल को x माइनस 2 का डिवाइड किया तो आपका आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो x माइनस 2 है इस पॉलीनोमियल को डिवाइड कर रहा है। उसका मतलब क्या है डिवाइड का, कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल, x माइनस 2 इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है। अब हम केस 2 करेंगे जी, उसमें हम लोगों ने x माइनस 3 के लिए चेक करना है। केस 2 व्हेन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 3, तो इसमें x की वैल्यू 3 लगा ले जी। पॉलीनोमियल ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस 12 3 का स्क्वायर प्लस 44 साथ में 3 माइनस 48, इस पूरी क्वेश्चन में जहां पे x है वहां पे आप लोगों ने 3 लगा दिया। तो 3 का क्यूब कितना होगा जी 27, 3 का स्क्वायर 9, 44 को 3 से मल्टीप्लाई करें 132 माइनस 48, 27 माइनस, अब आप लोगों ने 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 9 आपका आंसर आ गया 108 प्लस 132 माइनस 48। अब आप इस सारी क्वेश्चन को माइनस करें, 27 माइनस 108 प्लस 132 माइनस 48, तो आपका आंसर आता है जी 3। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने इस पॉलीनोमियल को x माइनस 3 पे डिवाइड किया है तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आया, 3, ये हमारा रिमाइंडर जो है वो 3 आया। तो इसका मतलब ये है कि ये x माइनस 3 इस पॉलीनोमियल को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता यहाँ पे 3 की जगह पे तो फिर हम कहते हैं कि डिवाइड कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल ऑफ x।
क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पॉलीनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। आपने जी m की वैल्यू बतानी है कि जिसके लिए ये पॉलीनोमियल जो है ना वो x प्लस 2 पे डिविजिबल हो जाए। पॉलीनोमियल ऑफ x आपके पास है जी 4x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 6m माइनस 6x माइनस 3m। Exactly divisible by x plus 3 is equal to x plus 2 is equal to 0। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना जी कि आप लोगों ने इसमें ये जो m है इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, इस माइनस 2 को इसमें पुट करें, जहां जहां पे x है वहां वहां पे आपने माइनस 2 लगा दिया। माइनस टू का क्यूब माइनस 8, टू का स्क्वायर 4, 12 माइनस 3m। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 28, तो इनको माइनस करें क्या आता है, माइनस 32 ये आ गया माइनस 72 माइनस 3m पॉलीनोमियल ऑफ माइनस 2। अब वो क्या था, x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो सिंस x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल ऑफ x, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने माइनस 72 माइनस 3m के जहां पे 0 लगाने हैं तो इस त्रिया को राइट साइड पे ले जाएं तो माइनस 72 इज इक्वल टू 3m आ गया। इसको अगर आप 3 पे डिवाइड कर दो, 3 टू द 6, 3 4 द 12, m की वैल्यू आ जाती है माइनस 24। ये आप लोगों का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलीनोमियल बाय x प्लस 1 इज 2b। Calculate the value of a and b if the expression leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2. Question number 6 कहता है अगर आपके पास एक polynomial है p of x equals to x का cube plus ax का square plus 7। इस polynomial को जब आप x plus 1 पे divide करते हैं तो आपका remainder है जी 2b। कह रहा है कि पॉलीनोमियल ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 2b, ये गिवन है। पुट करें जी इसके अंदर माइनस 1, माइनस 1 आपने यहां पे पुट करना और एक आपने यहां पे पुट करना। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7, जो माइनस 1 आ गया ये आ गया माइनस 1 प्लस 6 हो जाएगा जी, माइनस 1 प्लस 7 6 हो गया पॉलीनोमियल ऑफ माइनस 1। यहाँ के पास पहली इक्वेशन आ गई, उससे पहले देखेंगे पॉलीनोमियल ऑफ माइनस 1 तो 2b के इक्वल है, बट जो हमारे पास गिवन है कि पॉलीनोमियल ऑफ माइनस 1 तो 2b के इक्वल है, तो पॉलीनोमियल ऑफ माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास सही है a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6 ये इक्वेशन पर मान बन गया। आगे वो कह रहा था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द एक्सप्रेशन लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब हम इसको इसी पॉलीनोमियल को x माइनस 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, वो उसने दिया हुआ है b प्लस 5। पॉलीनोमियल ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास है जी b प्लस 5, तो इसमें x यहाँ पे पहले आप 2 पुट करें, पॉलीनोमियल ऑफ 2 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर प्लस 7, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4a प्लस 7, बट पॉलीनोमियल ऑफ 2 की वैल्यू है b प्लस 5, ये गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स क्वेश्चन में गिवन है। तो 4a प्लस 15 इक्वल टू b प्लस 5,
4a - b = 5 - 15 - 10, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना जी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप क्या करें जी कि क्वेश्चन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 4, तो ये हो जाएगा 4a - 8b = -24। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 और इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दें, 2 और 3 को माइनस करें, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड एंड थर्ड, 4a - 8b = -24, 4a - b = -10, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया जी -7b = -14, तो b की वैल्यू आ गई 2। अब इस b की वैल्यू 2 को आप इक्वेशन नंबर 2 में लगा दें, 14 सेकंड, 4a - b = -10, 2 है, 4a = -10 + 2, 4a = -8, और a की वैल्यू आ गई -2, ये आप लोगों के आंसर आ गए। अपना होमवर्क नोट करें, एक्सरसाइज नंबर 5.3 में आपने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर लिया, 3 के 2 पार्ट्स हैं वो दोनों कर लेना, 4, 5, 6 का क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।